चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग करेंगे इंग्लिश, विच वी नो कि ए सेट का 10 to 15 मार्क्स हम लोग का इंग्लिश पोर्शन से आते हैं। एंड ये वाला पोर्शन है जो बहुत स्टूडेंट्स को यूजुअली इस पोर्शन में डर लगता है, बिकॉज इसमें यू नेवर नो व्हाट माइट कम। देर इज नो फिक्स्ड सिलेबस फॉर द इंग्लिश पोर्शन, सो यू नेवर नो व्हाट विल कम। तो द ओनली वे ऑफ स्कोरिंग इन दिस पोर्शन इज थ्रू प्रैक्टिस। तो इंग्लिश पोर्शन में कैसा क्वेश्चन आ सकते हैं? दे गिव यू नॉर्मल वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे सिनोनिम, कौन सा वर्ड किस मीनिंग से बेस्ट कनेक्ट करते हैं। दे गिव यू कॉम्प्रिहेंशन, अराउंड 6 मार्क्स यूजुअली कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, 3 to 6 मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आपका इडियम आता है, फ्रेजल वर्ब्स, एंड देर इज स्पॉटिंग एरर्स जो हम लोग आज करेंगे। उसमें योर बेसिक ग्रामर इज टेस्टेड, वेयर ग्रामर का रूल्स करेक्टली अप्लाइड है कि नहीं सेंटेंस में। दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट। तो टुडे वील डू सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर्स जो हम लोग को ग्रामर में मिलते हैं, एंड वील प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अभी क्लास में भी करेंगे, एंड आप लोग को असाइनमेंट भी मिलेगा पूरा इंग्लिश का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट हम लोग पहले सिर्फ रूल्स करते हैं थोड़े से। तो सबसे पहले मेरे को कौन बोलेगा कि आर्टिकल्स क्या होता है? व्हाट आर एंड विच आर्टिकल्स? आर यूज बिफोर अ नाउन? ठीक है, और एन एंड द, इसमें डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? दो तनिष्क, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज अपना माइक ऑन करके बोलो। इनफैक्ट जिसको भी कुछ भी बोलना है प्लीज अपना माइक ऑन करके बोलो, बिकॉज टुडे आई डोंट हैव द फुल सेटअप, तो इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी कि मैं चैट बॉक्स को देखूं बार बार। ठीक है, तो अब इसमें क्या रूल है? ये रूल तो सबको पता है कि अ यूज होता है जब नेक्स्ट वर्ड हैज अ बिफोर अ कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। साउंड, एंड एन यूज होता है वावल साउंड। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज साउंड। तो इसीलिए जब हम लोग आर बोलते हैं वी नेवर से अ आर, वी से एन आर, बिकॉज आर में जो साउंड है इट इज आ साउंड विच इज अ वावल साउंड। ठीक है, तो मैम एंड ये ऑल्सो थे, एन सॉरी, ईयर एन ईयर YEAR एन ईयर नहीं, अ ईयर होता है। मेरा नेटवर्क क्लियर है क्या सबको? कि इसमें वीडियो लैगिंग? पहले इट वॉज लैगिंग, नाउ इट्स बेटर। ठीक है ना? ठीक है, कौन कौन बोलते हैं कि एन ईयर होना चाहिए? ओ यार होगा, आई टेक इट बैक। और ईयर, यस ओ यार, और ईयर, आर में होता है एन। और क्या एग्जाम्पल्स हैं? और किसी को कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है जहाँ पे वो ये वर्ड याद आ साउंड? रहा है। हाँ आर के लिए बोलो। यूज होते हैं, एन आर, एन ऑनर। ऑनेस्ट पर्सन, हाँ ऑनर, आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आर, ऑनेस्ट, ऑनर, ये सब वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन द साउंड इज दैट ऑफ अ वाल। तो इसीलिए हम लोग
प्रिसीड करेंगे एंड से। तो ये फर्स्ट रूल है आर्टिकल्स का। अब इसके अलावा देर आर सम रूल्स, आई वॉन्ट यू ऑल टू नोट दीज रूल्स इन अ कॉपी, नोट डाउन दीज रूल्स इन अ कॉपी, ताकि बाद में जब आप लोग रिवाइज करो तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल कि ये सारा रूल्स याद रहे, ऐसे विथ प्रैक्टिस ही आएगा, लेकिन इट इज ऑलवेज वाइज टू हैव एक हैंडबुक अपने हाथ में जिसमें आप लास्ट में खाली गो थ्रू कर पाओ कि बाई चांस कोई भी ऐसा रूल है जो आप बार बार इसका गलती कर रहे हो तो आप एग्जाम के पहले उस रूल को रिवाइज करके जा पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हम लोग करेंगे सबसे पहले ओ और एन के लिए रूल्स देखते हैं। तो अ और एन कब यूज होगा इंस्टेड ऑफ द? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ मैम, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है व्हेन यू आर मेंशनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि इट इज समथिंग जिसका आप पहले कोई मेंशन नहीं किया इन द पैसेज दैट यू आर राइटिंग और इन द सेंटेंस दैट यू आर राइटिंग, तो यू विल ऑलवेज यूज अ और एन, यू विल नॉट यूज द। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट सम बॉय, तो फर्स्ट टाइम व्हेन यू मेंशन द बॉय यू विल से अ बॉय, एंड देन उसके बारे में व्हेन यू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग हिम यू विल यूज द बॉय। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट टाइम अ बॉय वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, और फिर जब आप उसका सपोज क्लोथ का कलर बता रहे हो तो यू विल नॉट यूज अ बॉय वॉज वेयरिंग रेड क्लोथ, यू विल से द बॉय वॉज वेयरिंग रेड क्लोथ। करेक्ट, तो अ और एन होगा व्हेन यू आर मेंशनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट रूल इज अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एग्जाम्पल अ प्यूपल मस्ट ओबे हिज टीचर, तो यहाँ पे प्यूपल है विच इज रिप्रेजेंटिंग द इंटायर क्लास ऑफ प्यूपल्स, सब प्यूपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए वी विल यूज अ, यू विल नॉट से द प्यूपल मस्ट ओबे हिज टीचर, यू विल यूज अ प्यूपल मस्ट ओबे हिज टीचर। क्लियर है? नेक्स्ट इज इसका एग्जाम्पल कौन देना चाहेगा? टू मेक अ कॉमन नाउन आउट ऑफ अ प्रॉपर नाउन, कोई मेरे को दे सकता है इस चीज का एग्जाम्पल? ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या हुआ? इट कैन बी अ प्लेस और इट कैन बी द नेम ऑफ अ पर्सन, राइट? तो सपोज लेट से कोई इंसान बहुत अच्छा गाता है, सो डोंट वी से कि शी इज अ लता मंगेशकर। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, लता मंगेशकर जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, Is that grammatically उसको हम correct लोग, though? सॉरी क्या Is बोल that रही? grammatically correct though? यस, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। व्हेन यू मेक इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट टू मेक अ कॉमन नाउन आउट ऑफ अ प्रॉपर नाउन प्रोवाइडेड यू यूज एन अ बिफोर इट। तो शी इज अ लता मंगेशकर, या फिर और एग्जाम्पल है
डायलॉग. तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव रेड मर्चेंट ऑफ वेनिस. तो उसमें जो विलन था उसका नाम वाज शाइलॉक. तो कोई वैसा कनिंग इंसान से यू कम अक्रॉस एनी कनिंग पर्सन, यू कैन से दैट पर्सन इज अ शाइलॉक. ठीक है, तो व्हाट यू आर डूइंग इज शाइलॉक या लता मंगेशकर, ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन, बट वी आर यूजिंग दीज प्रॉपर नाउन्स टू एक्चुअली डिस्क्राइब समथिंग. एंड कोई चीज को डिस्क्राइब करने के लिए व्हेन यू यूज इट बिकम्स अ कॉमन नाउन. तो यहाँ पे यू आर टर्निंग द प्रॉपर नाउन इनटू अ कॉमन नाउन. तो उसके लिए हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं अ या एंड, डिपेंडिंग ऑन द साउंड. ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल दो. व्हाट अ वंडरफुल वेदर. ठीक है, लेकिन You took me by surprise with an exclamatory mark at the end. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं, खाली इट हैज टू बी समथिंग जिसमें अ आर्टिकल यूज हो. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल जिसमें अ आर्टिकल अ या एंड यूज हो. I just saw a tiger. ठीक है, और अभी भूमिका तुम क्या बोली थी? What a wonderful weather. व्हाट अ वंडरफुल वेदर. ये मेरे ख्याल से ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग यूजुअली वेदर के आगे और नहीं लगाते हैं. तो यू आर मोर लाइकली टू से व्हाट ब्यूटीफुल वेदर, या फिर ठीक है व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर भी आई थिंक बोल सकते हैं. बट ये एक बार मेरे को चेक करना है, बिकॉज व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर में आई एम नॉट श्योर कि आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा. मेरे ख्याल से शायद नहीं लगेगा, आई चेक एंड आई गेट बैक टू यू. लेकिन निखिल जो एग्जाम्पल दिया इट इज फाइन. और किसी के पास कोई एग्जाम्पल है? यू कैन से व्हाट अ लवली मॉर्निंग. इसीलिए यहाँ पे हम लोग और यूज कर रहे हैं. ये देखो भूमिका, ये जो कंडीशन है ना, इसके कारण वेदर के आगे अ नहीं लगेगा, क्योंकि जो अ या एन का जो आर्टिकल है दैट इज यूज ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. वेदर इज नॉट अ काउंटेबल नाउन. मॉर्निंग इज अ काउंटेबल नाउन, टाइगर इज अ काउंटेबल नाउन, लेकिन वेदर इज नॉट अ काउंटेबल नाउन. समझ में आया कि क्यों वो गलत यस है? मैम, यस मैम. ठीक है, और ठीक और एन का मेनली ये सब रूल है. एक बार ये फोर रूल सब कॉपी कर लो. इसके अलावा ऑब्वियसली बहुत सारा जगह है जहाँ और एन यूज होते हैं, बट दोज प्लेसेस इट इज मोर लाइकली टू कम आउट नेचुरली देन बाय अ स्पेसिफिक रूल. बट ये फोर केसेस में यूजुअली पीपल मेस अप एंड उन लोग अ की जगह द लिख देते हैं या दे फॉरगेट टू यूज एन आर्टिकल. तो इसीलिए ये फोर रूल्स इम्पोर्टेंट हैं. सबका कॉपी हो गया ये चार? हाँ चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं द का रूल. अब द कब कब यूज होता है? फर्स्ट रूल इज
important? Before many proper nouns, not all proper nouns, but many. जैसे कि you will never say I am reading Bible, I am reading the Bible. You will never say I am going to climb Himalayas, I am going to climb the Himalayas. ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर नाउन होता है ये टाइप का, कोई भी रिवर का नेम, रिवर नेम्स, माउंटेन्स, होली और रिलीजियस टेक्स्ट. उसके अलावा देर इज और क्या होता है, थिंग्स लाइक द पार्लियामेंट या फिर द लोकसभा, द राज्यसभा, द हाउस ऑफ कॉमन, द हाउस ऑफ सीनेट. ये सबके पहले हमेशा एक द लगेगा, एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट जो द होगा उसका टी विल बी कैपिटल. इसीलिए कभी भी इफ यू राइट दैट आई सॉ अ बॉय स्विमिंग इन द रिवर गंगा, टू मेक श्योर कि उसका द आर और टी आर और जी तीनों कैपिटल होगा. ओके okay? मैम इट्स द यूके। यस, द यूके, द यूके, द यूएसए, मतलब द यूएसए कोई नहीं बोलता, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर जो था, यूनियन सोवियत रिपब्लिक ऑफ रशिया में जो था उसमें भी द आएगा, इन सब में भी द आएगा. साउंड मैन ऑल्सो वॉवल साउंड के पहले तो उसे दी बोलते हैं ना। हाँ, ये एज नॉलेज इज फाइन. आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि राइटिंग में क्या क्या होता है, बट हाँ ट्रू. कभी भी अगर जो नेक्स्ट वर्ड है इफ इट इज स्टार्टिंग विद अ वावल, सपोज भाई आर, ऑनेस्ट, ये सब के साथ अगर लें, इज इट इज डी आर ऑफ समथिंग समथिंग, तो हमेशा वो द की जगह डी प्रोनाउंस होगा. ओके okay? अगर कभी भी लेट्स से डी एंट, ठीक है, डी एंट वॉज क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म सपोज, ठीक है, तो वो साउंड द की जगह डी हो जाएगा. सेकेंड, द कब यूज होगा? द विल बी यूज बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड का यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन अच्छा नहीं ओके सॉरी सॉरी। है, और वाउल साउंड सिर्फ अ और एन में होते, क्योंकि अ और एन का ग्रामेटिकल यूसेज, जो सिंटैक्स में यूसेज है दैट इज द सेम, जस्ट डिसाइडिंग वेदर वो एन आएगा कि नहीं आएगा इज डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट वर्ड का स्टार्टिंग साउंड. द इज अ डेफिनेट आर्टिकल विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ और एन, एंड उसका ओनली डिफरेंस इज कि अगर नेक्स्ट साउंड वावल साउंड है तो फिर वो डी प्रोनाउंस होगा. राइटिंग में देर इज नो डिफरेंस, रिटन इंग्लिश में कोई भी डिफरेंस नहीं है कि नेक्स्ट साउंड क्या है, ओनली स्पोकन इंग्लिश मेक्स अ डिफरेंस. एक और जगह जहाँ पे होता है ऑब्वियसली समथिंग दैट इज ऑलरेडी मेंशनड बिफोर, बॉय का जैसे एग्जाम्पल लिया था कि अ बॉय वॉज सिटिंग एंड द बॉय वॉज वेयरिंग रेड क्लोथ, तो वेन यू हैव ऑलरेडी मेंशनड समथिंग बिफोर देन यू नो लॉन्गर यूज अ और एन, यू यूज द, बिकॉज नाउ इट इज बिकम अ डेफिनेट थिंग. यू आर नो लॉन्गर टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम थिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट थिंग. थर्ड केस, थर्ड केस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन. When a singular noun represents a whole class. Now, this you will see is very similar to this one.
और एन का नंबर टू एंड द का नंबर थ्री बोथ आर वेरी सिमिलर एक्सेप्ट दिस थिंग. तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर बोलेंगे द बैनियन ट्री इज वेरी यूजफुल, ठीक है, द बैनियन ट्री इज वेरी यूजफुल, या फिर द लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. तो ये सब जगह में हम लोग द यूज करेंगे क्योंकि ये चीज इज वेरी डिपेंडेंट ऑन हाउ यू आर यूजिंग इट मोर देन द रूल. आपको बोल के देखना होगा कि कौन सा वाला आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल में इफ यू से द पीपल मस्ट ओबे हिज टीचर इट इज साउंडिंग अ लिटिल ऑफ. लेकिन सिमिलरली यहाँ पे अगर आप द लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया की जगह अ लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया बोलोगे तो दिस विल साउंड ऑफ, राइट. तो इसीलिए कुछ केसेस में जब एक सिंगुलर नाउन इज रिप्रेजेंटिंग अ होल क्लास वी विल यूज द. तो दीज आर द मोस्ट कॉमन प्लेसेस जहां पे हम लोग ड का एरर्स बनाते हैं. अब हु विल से व्हाट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन. डिस्क्राइब द नाउन, ठीक है. एग्जांपल दो एडजेक्टिव का. Busy morning. Sorry. A busy morning. A beautiful morning. Flower. ठीक है. Very good. तो अब adjectives में कुछ कुछ adjectives के लिए there are some rules. ये लिखो.
बैठी हूँ ना, जब कॉपी हो जाए सारा। ठीक है, अब बोलो व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव का डिग्री। किसी को याद है एडजेक्टिव का डिग्री क्या होता है? हाँ आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट. लास्ट वाला सुपरलेटिव है एंड बाकी दोनों के नाम नहीं याद. ठीक है, इवन वेल राइटिंग यू डिडंट रियलाइज कि नाम क्या होएगा। हाँ, कंपेरेटिव सेकेंड. और पॉजिटिव फर्स्ट। ठीक है, तो राइट. गुड बेटर बेस्ट। गुड इज पॉजिटिव, बेटर इज कंपेरेटिव एंड बेस्ट इज सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव इज जस्ट द बेसिक वर्ड, कंपेरेटिव इज यूज व्हेन यू आर यूजिंग द एडजेक्टिव टू कंपेयर टू क्वांटिटीज या कोई भी टू थिंग्स को या टू पीपल को। व्हेन यू आर कंपेयरिंग यू विल यूज कंपेरेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव डिग्री इज द हाइएस्ट डिग्री, जिसका मतलब कि जो भी वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं उसका हाइएस्ट इज, मतलब उसका, जैसे कि समथिंग इज बेस्ट, समथिंग इज द बेस्ट में मतलब उससे बेटर भी कुछ नहीं हो सकते। इट इज द हाइएस्ट डिग्री दैट यू ऑफ एडजेक्टिव दैट यू कैन गिव टू समथिंग। ओके, मतलब यू आर प्लेसिंग इट एट द टॉप, दैट टाइम यू यूज द सुपरलेटिव डिग्री। अब भले आप वर्स्ट इज बैड, वर्स एंड वर्स्ट, ये भी पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव है। तो व्हेन यू आर यूजिंग वर्स्ट फॉर समथिंग इट स्टिल मीन्स दैट यू आर पुटिंग इट ऑन द टॉप। जब आप सबको कितना बैड है या कितना वर्स्ट है इसमें लिस्ट करो, देन यू आर पुटिंग इट ऑन द टॉप, देन यू विल यूज द वर्ड वर्स्ट। ठीक है, तो ये थ्री डिग्रीज एडजेक्टिव का ये रूल्स देखो। सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रायर एंड पोस्टीरियर, ये सब वर्ड्स हैं विच आर एडजेक्टिव। यू विल से दैट समथिंग कम्स प्रायर टू समथिंग, तो इट इज एन एडजेक्टिव। ऑल दीज आर एडजेक्टिव। तो इनके आगे फॉर एग्जाम्पल यू सेम यू विल नॉट से राम इज सीनियर दैन श्याम या राम इज जूनियर दैन श्याम। यू विल ऑलवेज यूज टू फॉर ऑल दीज वर्ड, सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर। बहुत बार बोलते टाइम वी कैन से कि दिस कम्स प्रायर दैन दैट या दिस पर्सन इज जूनियर दैन दिस पर्सन, बट इट शुड बी टू नॉट दैन। इसका एग्जाम्पल दो नंबर टू का। ये सब जो वर्ड्स हैं इनको यू कैन नेवर यूज विथ मोर, मोस्ट, दैन, टू। मतलब ये चारों वर्ड, ये बेसिकली जो ये बोलना चाह रहे हैं कि बहुत रेयरली ऐसे वर्ड्स के पहले आपको कोई वर्ड देना होगा, बिकॉज यू डू नॉट हैव टू गिव मोर, मोस्ट, दैन, टू। एंड यूजुअली एडजेक्टिव्स के पहले ये फोर वर्ड्स आते हैं। ओके, तो ये याद रखना कि ये फोर हो, और आपको कोई डाउट आ रहा है कि इसके पहले कोई वर्ड होना चाहिए या नहीं, आंसर विल बी नो, क्योंकि ये चार पहले नहीं हो सकते। यूज द पॉजिटिव डिग्री आफ्टर कंपैरेटिवली। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, लेट्स से आई एम सेइंग
क्या होगा यहाँ पे? बेटर ऑप्शन ठीक है, कोल्ड 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 कोल्ड। कौन कौन कोल्ड बोल रहे, रेज योर हैंड। प्लीज दबा के रेज योर हैंड। ठीक है, तो निखिल एंड भूमिका से कोल्डर, अभिषेक एंड पार से कोल्ड। ठीक है, तो अभिषेक एंड पार आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, यूज पॉजिटिव डिग्री आफ्टर कंपैरेटिवली। पॉजिटिव डिग्री क्या नहीं होता है, मैम, ओल्ड का क्या सॉरी, होता है? मैं कोल्डर बोल जा रहा था। आई डेंट हियर योर रेज योर हैंड वाला पार्ट। यू वॉन्टेड टू से कोल्डर, राइट हाँ, बट द आंसर शुड बी कोल्ड। ओके क्यों? क्योंकि कंपेरेटिवली इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ पॉजिटिव डिग्री। दिस इज आई थिंक द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन एडजेक्टिव, कि कंपेरेटिवली के बाद वी टेंड टू यूज कंपेरेटिव डिग्री। जस्ट बिकॉज हम लोग कंपेरेटिवली बोलती हैं, तो हम लोग के मुंह से कंपेरेटिव डिग्री का वर्ड एडजेक्टिव निकलते हैं। जैसे पार्ट थ्री, जब मैंने खाली फिल इन द ब्लैंक्स दिया था विदाउट ऑप्शन, ही यूज बेटर, द विंड इज कंपेरेटिवली बेटर टुडे। नहीं, द विंड इज कंपेरेटिवली गुड टुडे, क्योंकि हम लोग कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं टू कंपेयर समथिंग। उसमें इफ यू आर ऑलरेडी एडिंग अ वर्ड कंपेरेटिवली, इट मीन्स कि आप कंपेयर कर चुके हो। नाउ यू जस्ट नीड टू मेंशन कि कौन से बेसिस पे आप कंपेयर करो, कंपेरेटिवली बैड टुडे कि कंपेरेटिवली गुड टुडे। आप ऑलरेडी बोल चुके हो जो पहले था उससे 1 डिग्री ऊपर है। ओके, मतलब कि कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या करते हैं, दे कंपेयर टू थिंग्स। तो दे कंपेयर टू थिंग्स, तो यू कैन से द विंड इज बेटर टुडे, और यू कैन से द विंड इज कंपेरेटिवली गुड टुडे, क्योंकि वो कंपेरेटिवली गुड के लिए सिंगल वर्ड इज बेटर। ओके, वैसे कंपेरेटिवली कोल्ड के लिए सिंगल वर्ड इज कोल्डर। यू कैन ईदर से दिस और यू कैन से द विंड इज कोल्डर टुडे। क्लियर? ये डिफरेंस समझ में आया सबको? यस मैम। नेक्स्ट, बिफोर इनफ यूज पॉजिटिव डिग्री। अब ये बोलो, गुड इनफ। ओके स्मार्ट, एवरीवन नोज नाउ, क्योंकि सबको पता है कि पॉजिटिव डिग्री होगा बिफोर इनफ। टू टू लेकिन बहुत बार वी टेंड टू से दैन। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन सेंटेंस जिसमें कैन वी से रादर देन रादर देन इज फाइन। हाँ, कैन वी यूज ओवर आई प्रेफर टी ओवर कॉफी। यू कैन से आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, बट द बेस्ट वर्ड, जो बेस्ट वर्ड टू यूज आफ्टर प्रेफर होता है, दैट इज टू। तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टिक टू टू, क्योंकि ओवर कॉफी इज इंट रॉन्ग, बट मेनी पीपल माइट कंसिडर इट रॉन्ग। तो स्पेशली फॉर एग्जाम पर्पसेस इट इज बेटर कि आप रूल टू रूल काम करो। तो आई वुड से कि प्रेफर के बाद टू ही यूज करो इंस्टेड ऑफ ओवर या रादर दैन। रादर दैन तो खैर इट इज अ डिफरेंट थिंग ओनली, बट
बट ओवर ग्रामेटिकली इट इज फाइन, लेकिन एमसीक्यू में यू कैन नॉट गो रॉन्ग. एक और एग्जाम्पल कि मोर देन एन एग्जाम्पल इट इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू दिस रूल. ये बोलो ओवर दैन दैन भी नहीं, रादर दैन. तो कभी भी आई प्रेफर टी रादर देन कॉफी इज नॉट समथिंग दैट यू आर मोर लाइकली मैम, टू अगर टेक. यू आर मोर स्लीपिंग लाइकली होता टू, तो ओवर ठीक था ना? आई प्रेफर स्लीपिंग रादर देन प्लेइंग. सी ओवर इज समथिंग जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन ओवर आपको रूल्स में नहीं दिखेगा कहीं भी यूज किया हुआ. रूल्स में यू यूजुअली सी टू एंड देन. ग्रामर बुक्स में हमेशा आपको टू और देन. ग्रामेटिकली आई एम नॉट सेइंग इट रॉन्ग, ग्रामेटिकली इट इज, लेकिन आपका भी जो टेस्टिंग होगा उसमें मोस्टली give over as an option also, because over grammatically wrong nahi hai, lekin when you study by the rules then you are studying to or than. So sleep or play and tea or coffee mein kya difference hai? Sleep and play are in kabhi bhi agar infinitives use hoga जैसे स्लीप प्ले कभी भी ये सब यूज हुआ देन इट इज बेटर कि यू यूज रादर देन. एंड कभी भी टी कॉफी ऐसे एग्जाम्पल्स होगा देन इट इज बेटर दैट यू यूज प्रेफर समथिंग टू समथिंग. ठीक है. लास्ट परफेक्ट कंप्लीट फुल एक्सेलेंट यूनिक यूनिवर्सल गोल्डन चीफ. दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स बट दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस. दे आर ओनली यूज इन पॉजिटिव डिग्री, दे आर नेवर यूज इन कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज. तो मतलब टू वेज होते हैं कोई भी चीज को डिग्रीज में डिवाइड करने का. देर आर टू वेज, ईदर उसके लिए एक सेपरेट वर्ड है या फिर यू यूज मोर और मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव डिग्री. करेक्ट, मतलब या तो गुड बेटर बेस्ट या बैड वर्स वर्स्ट है, नहीं तो लेट्स से इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट ऐसे भी होते हैं. तो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें इधर यू हैव सेपरेट वर्ड फॉर ऑल थ्री डिग्री और यू कैन सिंपली एड अ मोर और अ मोस्ट टू द पॉजिटिव डिग्री टू चेंज इट इंटू कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री. लेकिन ये सब जो वर्ड्स हैं इसके आगे यू कैन नॉट एड मोर और मोस्ट ऑल्सो एंड देर इज नो वर्ड फॉर चेंजिंग इट इंटू कंपेरेटिव और सुपरलेटिव. क्यों? क्योंकि इफ यू सी दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स को देख के ही समझ में आ रहा है कि इनसे बेटर कुछ नहीं हो सकते. मतलब दिस इज एक्चुअली अ वर्ड दैट कैन स्ट्रेट अवे बी यूज एज अ सुपरलेटिव. मतलब अगर आप कोई चीज को परफेक्ट बोल रहे हो तो परफेक्ट के ऊपर कुछ हो ही नहीं सकते. करेक्ट, परफेक्ट के ऊपर कुछ हो सकता है कभी? तो इट इज ऑलरेडी इन द सुपरलेटिव स्टेट. इवन दो उसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव या कंपेरेटिव हो उसका, बट इट इज अ वर्ड दैट इज ऑलरेडी इन द सुपरलेटिव स्टेट. तो एक एग्जाम्पल देखो,
इसमें से आपको करेक्ट कौन सा ज्यादा लगे। व्हेन यू आर सेइंग समथिंग मोस्ट चीफ एम, तो जैसे एक एग्जांपल देखो, इफ बचपन में जैसे स्कूल में बहुत जन का हो सकते हैं लड़ाई होता हो कि समवन सेज इवन शी इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड इवन शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इफ आई एम कॉलिंग टू पीपल माई बेस्ट फ्रेंड, इट इज नॉट लॉजिकली करेक्ट, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड इज एकदम हाईएस्ट लेवल, करेक्ट? तो यू कैन नॉट से कि ये बेटर बेस्ट फ्रेंड है और ये वर्स्ट बेस्ट फ्रेंड है, या बेटर बेस्ट फ्रेंड एंड गुड बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेस्ट फ्रेंड मीन्स देर कैन ओनली बी वन, इफ समथिंग इज परफेक्ट इट मीन्स इट इज द बेस्ट, उसके ऊपर हो ही नहीं सकता है कुछ। तो इसीलिए अगर कोई बोल रहा है कि चीफ एम ऑफ लाइफ है, तो चीफ एम ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी सेइंग कि इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लाइफ, राइट? तो चीफ के आगे मोस्ट लगाना इज जस्ट मेकिंग द वर्ड मोस्ट रिडंडेंट ओवर हियर। देर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग द वर्ड मोस्ट ओवर हियर, क्योंकि चीफ वर्ड यूज करने से ही वी आर डायरेक्टली इम्प्लाइंग कि इट इज द हाइएस्ट लेवल। इज दिस एग्जाम्पल क्लियर? यस मैम। कोई सेंस बनाते सेकंड सेंटेंस बोल के? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड मोर मोस्ट दे बिकम रिडंडेंट, यू डू नॉट हैव टू यूज देम। तो इसीलिए ये वर्ड्स सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होंगे, देयर इज नो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर देम। ओके, सब एग्जांपल्स कॉपी कर लिए? एक बार सारे एग्जाम्पल्स, ऑल सिक्स का एग्जाम्पल्स कॉपी कर लो। बाकी सब कर लो जल्दी से। ओके, अब आर्टिकल में हम लोग ये रूल्स तो कर लिए थे कि कौन सा आर्टिकल कब यूज होगा, लेकिन देर आर ऑल्सो सम केसेस वेयर आर्टिकल्स आर ओमिटेड। ऑमिटेड मतलब कि आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि मेरे को आर्टिकल देना है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे आर्टिकल आएगा ही नहीं, नीदर अ एन आएगा नॉर द आएगा। अब ऐसा केसेस का एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल नंबर वन,
टेक्नोलॉजी, ये सब लिख लिया आप लोगों ने। अब ऐसे देर आर नेवर एंडिंग रूल्स इन ग्रामर, एंड स्पेशली वेन यू कम टू टेंसेस एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसमें इतना रूल्स है कि दोज रूल्स इट इज नॉट पॉसिबल कि यू जस्ट राइट देम एंड यू गेट अ होल्ड ऑफ दोज रूल्स। इसीलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा क्वेश्चन, एंड विद एवरी सिंगल क्वेश्चन वी विल कम अप विद अ न्यू रूल। ओके, तो कैसे होगा ये एक्सरसाइज देखो। हर क्वेश्चन में दे हैव गिवन, दे हैव डिवाइडेड द एंटायर सेंटेंस इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज ए, सेकंड पार्ट इज बी, थर्ड पार्ट इज सी, एंड जो डी है वहाँ लिखा है नो एरर इन एवरी सेंटेंस एट द एंड। व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू रीड द सेंटेंस एंड देन यू हैव टू स्पॉट कि पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी, तीनों में से कौन से पार्ट में एरर है। एंड अगर तीनों पार्ट में एरर नहीं है देन यू विल चूज ऑप्शन डी, विच मीन्स द एंटायर सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर मनी अंटिल यू गिव अ प्रायर नोटिस। तो यहाँ पे क्या होगा, इज इट करेक्ट और यू फील कि कहीं पे कुछ चेंज आना चाहिए। ऑप्शन डी। डी, डी फॉर डेली। यस मैम। बाकी लोग बोलो क्या लगते हैं। नो एरर। नो एरर। निखिल एंड अभिषेक ऑल्सो फील नो एरर। यस मैम, थोड़ा सा नो ध्यान एरर। से पढ़ो। चलो हम बोल देते हैं एरर है। अब मेरे को ये बताओ एरर कहाँ पे है। इट इज नॉट समथिंग जो आज के क्लास में हम लोग किए हैं, इट इज समथिंग जो पहले पढ़ा हो स्पोकन इंग्लिश में, यू मस्ट बी रियलाइजिंग। आई एम टेलिंग यू कि एरर है। कैन नॉट मे स्पेस। कैन नॉट एक साथ होगा। आई थिंक दोनों वैलिड है। वो एरर नहीं है। Is it all of your money? यहाँ पे दी एरर इज ऑल योर मनी के बाद अंटिल नहीं अनलेस होगा। वाई? द रूल इज अच्छा, बट कैन बी यूज अंटिल एंड अनलेस बोथ अगर सेंटेंस फॉर्म के ऐसा। तो यू कैन यूज बोथ, लेकिन यूजिंग बोथ इज जस्ट मेकिंग यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स। जब एक यूज करने से ही हम लोग का काम बन सकता है, व्हाई वुड वी वांट टू यूज टू नो, मोर बिकॉज वर्ड्स। वर्नैक्युलर में इट्स यूजुअली अंटिल एंड अनलेस वर्ड। सो मतलब व्हेन वी आर स्पीकिंग, हाँ That is the thing, na? Spoken and written English mein, there is a lot of difference. When you are speaking, you speak anything, it does not matter as long as you are putting across what you mean. But in written English, you have to be very precise. Especially, and written English mein, precision kahan se aata hai? By using appropriate words, is type ka. Spoken English mein,
दीज वर्ड्स डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू आर स्पीकिंग. व्हेन यू यूज, अगर आप अंटिल की जगह अंटिल एंड अनलेस भी बोल दो तो हार्डली 0.1 सेकेंड्स गया. तो वहां पे प्रिसिशन इज नॉट बेस्ड ऑन डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स, बट रिटन इंग्लिश में प्रिसिशन इज डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स. स्पोकन इंग्लिश में यू गेट प्रिसिशन बाय यूजिंग 3-4 वर्ड्स के लिए कोई 1 वर्ड हो गया, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जगह यू यूज चीफ. स्पोकन इंग्लिश में वहाँ पे ऐसा वर्ड यूज करने से डिफरेंस आते हैं, लेकिन रिटन इंग्लिश में यू हैव टू बी अ लिटिल मोर पर्टिकुलर अबाउट ऑल दिस. तो अंटिल क्या होता है? टाइम बाउंड. एंड अनलेस इज कंडीशन बाउंड. यहाँ पे जब हम लोग बोल रहे हैं गिविंग अ प्रायर नोटिस, इट इज नॉट सेइंग कि आप जिस सेकेंड प्रायर नोटिस दोगे उस सेकेंड यू कैन विदड्रॉ, या जिस टाइम पे प्रायर नोटिस दोगे उस टाइम पे यू कैन विदड्रॉ. दे आर इम्पोजिंग अ कंडीशन कि ओनली इफ यू गिव प्रायर नोटिस देन यू कैन विदड्रॉ ऑल योर मनी. तो एक और चीज जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो इज बाय सीइंग द डिफरेंस. अंटिल का डिफरेंस इज सिंस, डिफरेंस एज एन एंटोनिम, एंड अनलेस का इज इफ. यहाँ पे जब हम लोग देखते सिंस यू गिव अ प्रायर नोटिस डज नॉट मेक सेंस, इफ यू गिव अ प्रायर नोटिस मेक सेंस, करेक्ट. इसीलिए ऐसे करके दिस इज वन ट्रिक ऑफ आइडेंटिफाइंग अंटिल होगा कि अनलेस होगा, ठीक है. बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि यू चेक कि टाइम बाउंड है कि कंडीशन बाउंड है. फॉर एग्जाम्पल अंटिल कहाँ पे यूज होगा? लेट्स से आई एम सेइंग कि I am going to stay here until 6 PM. Okay, so 6 PM is time bound. Yeah, fir I am going to stay with my parents until I turn 18. So until I turn 18, mein, since yeah, when I turn 18, I will move out. It is not if I turn 18, I will move out. If yahan pe doesn't make sense. So isliye unless nahi use kar sakte. So I am going to stay with my parents unless I am 18 is not correct. I am going to stay with my parents until I am 18 is correct. Clear? Difference समझ में आया until and unless का? ये rules सब note down कर लिए. Next. Exactly. You should behave with others the same way which you expect them to behave with you. Which नहीं होगा? क्या होगा? The same way you कुछ होगा. Which नहीं होगा correct, लेकिन कुछ तो होगा. कोई और बोल सकते हैं कि which की जगह क्या होगा? How? Think like this. Same के साथ कौन सा word use करते हो? This is the same dash that. As. अब as के साथ ये sentence बोलो. You'll automatically feel that it is a better construction. The same way as you expect them to behave with you. ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग because of the word same, we will use as and not which. Even though बोलते time यही बात है. See, when you're speaking, which sounds fine. क्योंकि कोई भी जब आप ये sentence बोल रहे हो which पे किसी का इतना concentration नहीं जाएगा. So while speaking, it is okay if you use which, even if it is not grammatically 100% correct. But when you're writing, these things matter. ठीक है? तो same way as you expect them होगा.
एंड वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज कि जब आप लोग ये सब रूल्स लिख रहे हो ना, तो रूल्स के साथ में साइड में जस्ट मेंशन क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, क्योंकि ये वाला जो अभी मैं आप लोग को क्वेश्चंस करा रही हूँ, यू विल गेट इसका फुल पीडीएफ अलोंग विद द अदर क्वेश्चंस जो आप लोग को खुद करना है. तो उस टाइम पे वाइल रिवाइजिंग या वाइल गोइंग थ्रू इट अगेन, आपको पता रहेगा कि इसका एग्जाम्पल कहाँ से आप रेफर कर सकते हो. ठीक है, तो मेक श्योर यू राइट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे करके. 3 देखो. Neither he nor his father. Neither nor. वेरी इजी. ईदर के साथ और एंड नीदर के साथ नॉर. और बोलो. इसमें कोई रूल इन्वॉल्व नहीं है, इट इज जस्ट अ वेरी बेसिक सिंटैक्स एरर. Not only does he believe in hard work. Honesty in the highest order. ऑनेस्टी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ही होगा. अब सुनना व्हाट आई एम सेइंग. ही बिलीव नॉट ओनली इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन द ऑनेस्टी ऑफ बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ दी हाइस्ट ऑर्डर. यहाँ पे जो नॉट ओनली और बिलीव का पोजिशन है, अगर इसको हम लोग इंटरचेंज करें तो ये ज्यादा करेक्ट नहीं लग रहा है. बट इसमें भी इट्स लुकिंग ओके. आई डोंट नो, आई नो व्हाट्स ओपन इंग्लिश. ही बिलीव नॉट ओनली क्यों होगा, क्योंकि यू सी ब्रेक द सेंटेंसेस इन पार्ट. ही नॉट ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क. तो नॉट ओनली का कंडीशन बिलीविंग इन हार्ड वर्क हो, हार्ड वर्क हो गया. ठीक है, बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ द हाइस्ट ऑर्डर. नॉट ओनली बट ऑल्सो का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है कि नॉट ओनली समथिंग बट ऑल्सो समथिंग. तो यहाँ पे हो गया नॉट ओनली बिलीविंग इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ द हाइस्ट ऑर्डर. तो जो बिलीविंग वर्ड है, जो बिलीविंग वर्ड है, दैट इज स्टक इन माई फर्स्ट समथिंग. दिस इज द लॉजिकल थिंग, बट एक्चुअल में इट इज अ सिंटैक्स एरर. बट लॉजिकली इफ यू ट्राई टू सी इट, ही बिलीव नॉट ओनली इन समथिंग बट ऑल्सो समथिंग. करेक्ट, दिस इज द कंस्ट्रक्शन. और यहाँ पे इन लोग क्या बोल रहे हैं, ही नॉट ओनली समथिंग बट ऑल्सो समथिंग. तो ये जो बिलीव है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, टू थिंग्स है यहाँ पे. एक है ऑनेस्टी ऑफ हाइस्ट ऑर्डर एंड एक है हार्डवर्क. टू थिंग्स है, करेक्ट. वॉट वी आर इम्प्लाइंग इस जो इंसान है वो बिलीव करता है इन बोथ द थिंग्स. लेकिन अगर ये कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, ही नॉट ओनली बिलीव इन हार्डवर्क एंड ही ऑल्सो ऑनेस्टी ऑफ हाइस्ट ऑर्डर. जो बिलीव हम लोग का मेन थिंग है, दैट इज इम्प्लाइड ओनली फॉर द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वो बिलीव जो वर्ड है नॉट ओनली के बाद आ रहे हैं.
केस टू कि हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स होगा. फर्स्ट ब्लैंक बिलीव इन ऑनेस्टी होगा, सॉरी हार्ड वर्क, और सेकंड ब्लैंक ऑनेस्टी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर होगा. हाँ, एंड केस वन में हम लोग का ब्लैंक्स होगा अब देखो व्हाट. ये कंस्ट्रक्शन में हम लोग दोनों चीज को सेम करते हैं, मतलब बोथ थिंग्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पे इन लोग क्या बोल रहे हैं, बिलीविंग इन हार्ड वर्क इज एज इम्पोर्टेंट एज ऑनेस्टी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर. एंड यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ही बिलीव इन हार्ड वर्क एज मच एज ही बिलीव इन ऑनेस्टी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर. Are you understanding? कि दोनों में डिफरेंस क्या है. जस्ट बाय शिफ्टिंग बिलीव का पोजिशन हम लोग जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसमें वी आर पुटिंग बिलीविंग इन हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी इन द इन इक्वल मेजर. मतलब वी आर इक्वेटिंग बिलीव इन हार्डवर्क टू ऑनेस्टी ऑफ हाइस्ट ऑर्डर. लेकिन जो करेक्ट इम्प्लीकेशन क्या था हम लोग का, कि हम लोग का बिलीव इन हार्ड वर्क इज इक्वल टू बिलीव इन ऑनेस्टी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, राइट? नॉट ओनली बट ऑल्सो का कंस्ट्रक्शन क्या होता है व्हेन वी आर इक्वेटिंग टू थिंग्स एंड, मतलब करेक्ट. नॉट ओनली बट ऑल्सो इज यूज जब हम लोग कोई टू थिंग्स को इक्वेट करते हैं कि दोनों चीज इक्वली इम्पॉर्टेंट है. Everyone agrees on this? Please respond thoda sa. Yes, ma'am. We want to equate two things. When you put believes in one of the dash, yeah, in one of the something, so tumhara jo believes hai, that is stuck in only one dash. Second wale ko wo belief ka जो belief के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, इन लोग मतलब ये सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, उसका जो हार्डवर्क में बिलीफ है इज द सेम एज हिज बिलीफ इन ऑनेस्टी. दैट इज व्हाट द सेंटेंस मेंट. अगर कोई भी आपसे सिंपली इस सेंटेंस को पूछेगा इस सेंटेंस का मतलब क्या है, तो यू विल सी कि उसको बिलीफ जितना हार्डवर्क में है उतना ही ऑनेस्टी में भी है. ऑल ऑफ यू विल से दिस कि इस सेंटेंस का मतलब यही है, राइट? और विल यू से कि जितना इम्पोर्टेंट ऑनेस्टी है उतना इम्पोर्टेंट बिलीफ इन हार्डवर्क है. यहाँ पे वी आर इक्वेटिंग बिलीफ इन हार्डवर्क टू ऑनेस्टी एंड यहाँ पे वी आर इक्वेटिंग बिलीफ इन हार्डवर्क टू बिलीफ इन ऑनेस्टी. विच वन इज करेक्ट? इक्वेशन में अगर देखो विच वन इज करेक्ट, इस वन इज करेक्ट क्योंकि हम लोग का सेंटेंस इज इम्प्लाइंग द बिलीफ. लेकिन अगर हम लोग केस टू वाला सेंटेंस लिखेंगे तो हम लोग का जो बिलीव वर्ड है दैट इज ओनली फॉर द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वो नॉट ओनली के बाद आ रहे हैं. हाँ, लेकिन अगर हम लोग बिलीव को नॉट ओनली, वी कैन से कि हमने बिलीव को कॉमन ले लिया. हाँ ठीक है, इसीलिए हम लोग नॉट ओनली के पहले लिख देते हैं बिलीव को. ओके, आई थिंक आगे जाके भी ऐसा सिमिलर एग्जांपल आएगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि क्यों बिलीव पहले आएगा, पास जो बोला हम लोग कॉमन ले लिए. ठीक है, क्लियर है सबको? एक बार ये चीज को नोट डाउन कर लो.
Number five. No sooner did she reach the station than it started raining. Then it started raining. Baki log? तो ये रूल क्या होगा? नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन एंड नॉट देन या वेन. वेन भी गलत है. देन तो फिर भी पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि गलत है, लेकिन अगर उन लोग वेन देते हैं तो मैनी पीपल वुडंट रियलाइज कि ये गलत है, क्योंकि नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन वेन इट स्टार्टेड रेनिंग. तो उनके एकदम करेक्ट लग रहा है, बट वेन इज रॉन्ग. इट विल ऑलवेज बी देन इट स्टार्टेड रेनिंग. नो सूनर इज फॉलोड बाय देन. ओके नेक्स्ट. One more common one. The captain and his wife were invited for the cultural function at my home. दो कैप्टन हो द कैप्टन ही तो है. प्रो कल्चरल फंक्शन कैप्टन वॉज इनवाइटेड वर ही होगा. ये भी एक बहुत कॉमन चीज है कि वॉज एंड वर में बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं. जब टू सिंगुलर्स है तो फिर वर होगा. राम एंड श्याम वर वॉकिंग टूगेदर. राम एंड श्याम वॉज वॉकिंग टूगेदर डज नॉट मेक सेंस. चलो बोल देते हैं. इनवाइटेड टू वर्सेस इनवाइटेड फॉर. कोई भी फंक्शन या गैदरिंग या पार्टी यू आर इनवाइटेड टू इट एंड यू आर इनवाइटेड फॉर केक टी ड्रिंक. नंबर सेवन. गॉड सेंट नहीं होगा गॉड सेंड होगा. ओ गॉड सेंट नहीं होगा अ गॉड सेंड ही तो है.
नहीं होगा। होगा हैज इंजन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लूरल है। ऑटोमेटिक स्कूटर्स हैव बीन। हाँ आर नो एरर। मेरे को मालूम था तुम लोग कुछ ना कुछ हर वर्ड पे डाउट करके निकालोगे, लेकिन दिस सेंटेंस इज परफेक्टली फाइन। इसमें अ भी होगा, गॉड सेंट भी होगा, हैव बीन भी होगा। दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली फाइन। ठीक है, नंबर 8 ट्राई करो। बहुत इजी है नंबर 8। द डाउट दैट विथ की जगह द होगा। विद द ओ अच्छा, ठीक है। और बाकी लोग बोलो। विद एनी मुझे डाउट लगता है विद आप अ ट्राई डाउट नहीं कर रहे हो। विथ एनी डाउट या विथ अ डाउट। ठीक है, दोनों का ट्राई करो। मतलब दोनों गलत नहीं है ना। दोनों नो गलत वन है। तो रिमेन्स आई एम रिमेन्स। लेट नो लेट नो वन वन रिमेन्स डाउट। लेट नो वन रिमेन्स विद द विदाउट एनी डाउट डाउट। दैट। नहीं सार से भी क्या बोला? नहीं गलत ही बोला मैंने। लोग विथ डाउट होते हैं कि इन डाउट होते हैं। डू यू स्टे इन डाउट और डू यू स्टे विथ डाउट? इन यहाँ पे भी लेट नो डाउट वन रिमेन इन डाउट दैट इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। यू नेवर स्टे विथ डाउट, विथ अ डाउट, विथ द डाउट। यू विल ऑलवेज स्टे इन डाउट क्योंकि यहाँ पे डाउट इज एक्चुअली रिमेनिंग इन डाउट डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ, और द डाउट कब यूज होता है? जब डाउट एक नाउन होगा। आई हैव अ डाउट विच मीन्स कि डाउट इज अ नाउन ओवर हियर। लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग रिमेन विथ डाउट, यहाँ पे सेंटेंस में जो डाउट का कॉनोटेशन है दैट इज एज एन एडवर्ब। मे बी यू कैन से यू आर रिमेनिंग इन डाउट। समझ में आ रहे डिफरेंस कि और द कब होगा? आई आंसर्ड द डाउट। यहाँ पे डाउट इज द वर्ब, डाउट इज द नाउन, लेकिन यहाँ पे डाउट इज नॉट द नाउन, सो यू विल रिमेन इन डाउट। क्लियर? भूमिका क्लियर? आप अपना यस कैमरा ही नहीं मैम। ऑन करते तो मेरे को समझ में भी नहीं आता है आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कर लो थोड़ा देर के लिए कैमरा ऑन। नंबर 9 बोलो। Them entering As the students reach today. बहुत ही no error। अच्छा प्रोमिनेंट सा एरर है इसमें। है हाँ नहीं कुछ नहीं। I thought no error।
very prominent era. Them from I object to Bhumika not switching on her camera in the class. I object Bhumika not switching Oh, on the era. camera in the class. You always object to something. और यहाँ पे टू नहीं लिखा हुआ है तो बीच में एक टू ऐड होगा. कितना प्रोमिनेंट चीज है, सबको पता है ऑब्जेक्ट के बाद टू होगा, लेकिन किसी का भी ध्यान मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट के बाद टू नहीं है यहाँ पे. ठीक है, क्लियर है कि टू होगा. दैट इज द एरर. लास्ट वाला बोलो. सबसे पहले तुमको लास्ट वाले में ये बोलो, ए डी वी आई एस ई और ए डी वी आई सी ई में क्या डिफरेंस होता है. ये एरर नहीं है यहाँ पे, वो आई विल टेल यू. क्या डिफरेंस होता है इनमें? किसी को नहीं पता है? पढ़ा याद नहीं आ रहा, पढ़ाया था। है तो सब कुछ था, पढ़ाया तो ये सब भी था जो अभी मैं करा रही हूँ. 80% सिलेबस सबको पढ़ाया हुआ है. एडवाइस, इट इज माय एडवाइस दैट व्हाट एवर. I advise you to. Verb है, because I am advising. So it is a thing that I'm doing. So it is a verb. And I have given you this advice. So यहाँ पे advice is a noun. So जब भी advice या practice is used as a noun, there will be a C. And whenever it is used as a verb, there will be an S. For example, I have a dance practice. C होगा कि S होगा? वापस बोलना। I have to go for my dance practice. C होगा कि S होगा? C noun. C. भूमिका भी C. I am practicing for my exam. Verb. Verb में कौन बोल रहा है? C और S. 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 Clear है C और noun, C और S का? सब लिखो, सब अपने कॉपी में ही लिखो, एकदम बिग बोल्ड लेटर्स में. और अब नंबर 10 देखो, यहाँ पे भी देखो, एडवाइस्ड टू हर चाइल्ड, सो शी इज एडवाइसिंग इट, व्हिच मींस शी इज डूइंग इट एज अ वर्ब. यहाँ पे एडवाइस्ड वर्ब है इसीलिए एस हो गया. एंड नहीं अगर होता इट वाज शीलाज एडवाइस टू हर चाइल्ड तो एडवाइस नाउन बन जाता, तो सी होता. Advise her child. Advise her child. The two commissioners. Same. बाकी लोग को क्या लगता है? Same. 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 Very good. Finally, after 10 questions, all of you have been successful. Two नहीं होगा,
Sheila advised her child not to play with the ball on the road. Okay. 11 likho. Walls mein nahi kuch nahi. ये तो पता है इसमें एरर है क्योंकि सुन के पूरा ऑफ लग रहा है सेंटेंस. पहले एकदम से वो अपोस्ट्रोफी दिखा तो मुझे लगा होगा ना. यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है इसका मतलब ही ये है कि वॉल के गिरने का कोई क्वेश्चन नहीं है हिंदी में अगर बोले. Reported the owner of the hotel. We always report to someone. And you report someone when, let's say, आप अगर किसी को report करो, मतलब कि I reported the bad man to the police, ऐसे हो गया. तब report के तुरंत बाद to नहीं होगा, to the police में to आएगा. But you will always report to someone. There was no question of the wall falling down. No question of the wall falling down. ठीक है, लेकिन वो इस sentence से 100% match नहीं करेगा. But वो walls, मतलब with the apostrophe also, it's just referring to one wall, I guess. क्योंकि plural होता तो apostrophe नहीं होता. देखो अब यहाँ पे क्या है, वॉल फॉलिंग डाउन इज साउंडिंग ऑफ, तो हम लोग ये बोल सकते फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल. नो क्वेश्चन ऑफ द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, सुनने में ये भी ऑफ लग रहा है, बट दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट. ये हम लोग को ये अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते हम लोग यहाँ पे. इस अपोस्ट्रोफी को हटाने के लिए वी विल से देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल. बट मेरा पूरा गलत था कि नहीं, आई वुडंट से पूरा गलत था. अगर आपके पास ऑप्शन रहता है ये तो आप ये चूज कर सकते थे, इट इज फाइन. हां बट बेटर दोनों में फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, क्योंकि अपोस्ट्रोफी है तो यू कैन नॉट कंप्लीटली इग्नोर द अपोस्ट्रोफी आल्सो. तो अपोस्ट्रोफी को हटाने के लिए हम लोग को ऐसे ही सिंटैक्स चेंज करना होगा. वेल देखो than any other plates. Oh, blades bhi galat likha hai mere hisab se. Matlab like apostrophe s nahi hoga, blades ke baad apostrophe s nahi hoga, blades likh ke apostrophe hoga, bas wo s nahi aayega. Matlab yahan pe ek hi s hoga, ek s hat jayega. Ha, jaise princess apostrophe ke baad se. हाँ, मेल प्रिंस वगैरह. रेस्ट ऑफ यू अग्री? हम्म, ठीक है, वेरी गुड. 13 सन इन लॉज पेन, सन इन लॉज. अच्छा ठीक है, ये करेक्ट है. इसी की तरह होते हैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कभी भी फर्स्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी नहीं आते, फुल वर्ड में आते. इसका प्लूरल क्या होता है? पासर बाय समवन, सबको पता है, जो मे बी कोई राह चलता है आज. इसका प्लूरल क्या होता है? पासर्स बाय. बाकी लोग पॉसिबिलिटी तो दो ही है, दोनों में कंफ्यूजन है. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? पासर बाय बोलने में ठीक लग रहा है, बट आई डोंट थिंक को रिटर्न इंग्लिश में ठीक होगा. मैंने का पूछ पे हूं.
क्या लगता है क्या होगा इसका प्लूरल? पास होता है पास पास बोलते ही भूमिका तुमको क्या सेकंड लगता है? अभिषेक सेकंड को वाला भी लगता है ये? क्योंकि जैसे वो सन इन लॉ होता है वो मेरे हिसाब से जैसे वो सी मुझे लगता है हमेशा बोलो भूमिका जल्दी से, चूज योर साइड। पार्सल्स नहीं पता। मतलब सेकंड वाला। ठीक है चलो, पासेज बाय होगा। दिस इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। इवन इन स्पोकन इंग्लिश इट इज रॉन्ग। ये चीज आप सब जान लो कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में दी ओनली डिफरेंस इज स्पोकन इंग्लिश में वी टेंड टू लेट गो ऑफ सम मिस्टेक्स। इट डज नॉट मीन कि वो करेक्ट है, इट जस्ट मीन्स कि हम लोग इतना ध्यान नहीं देते कुछ चीजों पे व्हेन वी आर स्पीकिंग। ओके, सेम विथ सन्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉज नहीं होते। अपोस्ट्रोफी अगर होगा तो फिर वो लॉ के बाद आएगा, लेकिन अगर प्लूरल के लिए हम लोग एस ऐड करें तो हम लोग को फर्स्ट वर्ड में एस ऐड करना है। ओके, तो सन इन लॉज फ्रेंड में सन्स इन लॉ फ्रेंड नहीं होगा, सन इन लॉज फ्रेंड होगा। लेकिन आई एम गोइंग आउट फॉर डिनर विथ माई सन्स इन लॉ। ओके 14 देखो। वेरी इजी। Somebody else's. बाकी लोग बोलो। सेम मैम सेम, अभिषेक को भी सेम। कंफ्यूज्ड इसमें क्या कंफ्यूजन? यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। ये तो सेंस बनाई नहीं है। यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवाइस बट ऑन समबडी एल्सेस। नहीं बोल रहे। इट डिपेंड्स ऑन समबडी एल्सेस एडवाइस। एडवाइस यहाँ पे सिंस हम लोग ऑलरेडी एक बार यूज कर चुके हैं, वी डू नॉट हैव टू यूज इट अगेन। क्लियर है? यस। 15 देखो। समर फ्लावर्स। समर फ्लावर्स मतलब कि अपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, ये बोल रहे हो तुम तो? यस। नर्सरी के आगे कार्ट और कोई चलाएगा। गलती? नर्सरी के पहले कार्ट चलाएगा। गो टू और नर्सरी। और कोई अलग लगे? He suggested me to go to nursery. किसी को ये नहीं लग रहा? He suggested to me that I should go to nursery. किसी को लग रहा है ऐसा? नहीं, भूमिका ऐसे पीछे मत, तो ये रॉन्ग है। सजेस्टेड मी इज 100% करेक्ट। क्यों? क्योंकि सजेस्टेड के बाद अगर कभी भी कोई प्रोनाउन आता है, राइट डाउन दिस रूल, इफ सजेस्टेड is followed by a pronoun, then there is no to.
क्लियर है? तो यहाँ पे टू गलती टू एरर्स है। समर के बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा एंड गो टू और नर्सरी या गो टू द नर्सरी दोनों बोल सकते हैं। 16 देखो। No sooner did he enter. I think more. क्या हुआ? More, I think. We have to hear it. अभिषेक को क्या लगता है? I think more error. क्या चीज? No error. But can we write this sentence as no sooner we entered the room than he got up and left? Other also sorry sentence I think. That is fine. वो तो आप पूरे सेंटेंस को चेंज कर दे रहे हो, लेकिन इस पर्टिकुलर दैट इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द सेंटेंस। लेकिन इफ यू आर राइटिंग इट इन दिस मैनर तो क्या गलती है? नो एरर नहीं है। अभी एक बार पार्ट सोचो अब क्या है। ये तो अभिषेक तो एकदम मतलब पूरा वाइब किल कर दी मेरी क्लास का आज। इतना बड़ा बड़ा करके रूल लिखवाया, ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी कर चुके हो तुम लोग इस रूल पे करेक्ट आंसर दे के, और फिर भी तुम एकदम उल्टा ही बोल रहे हो। नहीं, ये तो डेफिनेटली नहीं है। जो भूमिका बोलिए वो करेक्ट है, हाँ मेरे को बिल्कुल। लेकिन अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज जस्ट बाय एडिंग अ हैड। नो सूनर दो दो भूमिका कहाँ से आ रही? नो सूनर हैड वी एंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। दिस इज आल्सो करेक्ट। एंड यू कैन आल्सो गेस नो सूनर डिड वी एंटर देन लेकिन ठीक है, हाँ बोल सकते हैं। नो सूनर डिड वी एंटर देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम, दिस इज ऑल्सो फाइन। एंड एक और, नो सूनर हैड वी एंटर देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। 17 देखो। No, I think this is correct. बाकी लोग को भी सेम लगता है? Yes, ma'am. ठीक है ये, but it is always better कि जो willingly accept खुद में एक ठो word माना जाता है। That if you're willingly accepting something, This in itself is considered one thing. So it is better if you write cheerfully pehle and willingly baad. Matlab he ultimately decided to cheerfully and willingly accept the responsibility entrusted to him.
No error be according to me should be correct. But that is what they say by the rule कि cheerfully and willingly होना चाहिए, है ना? ओह सॉरी, माय बैड. इन लोग बोल रहे हैं कि जो एक्सेप्ट है दैट शुड कम बिफोर विलिंगली. आई एक्सेप्ट विलिंगली, मतलब ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट विलिंगली एंड चीयरफुली द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम. देन आई मेरे को तीनों करेक्ट लग रहा है. तीनों में आई डोंट सी एनी रूल एज सच जिसको हम लोग ब्रेक कर रहे ग्रामेटिकली, बट सिंस दे आर सेइंग तो अगर कभी भी ऐसा कुछ आए तो जस्ट कीप इट इन माइंड कि ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट विलिंगली एंड चीयरफुली द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम. आई थिंक इट इज जस्ट अ वर्ब एंड एडवर्ब का पोजिशनिंग का सम रूल. आई चेक एक बार कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल है कि नहीं, बट दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. 18 देखो. मेंबर से तो हैज हैफ नहीं होगा। हैव होगा हैज की जगह. हाँ करेक्ट, क्योंकि प्लूरल है गैंग मेंबर्स तो यहाँ पे हैव होगा इंस्टेड ऑफ हैज. एंड अगर मेंबर्स नहीं होता खाली गैंग होता तो हैज होगा। हैव होगा. हाँ श्योर? हाँ और अगर खाली द गैंग मेंबर होता तो हाँ ठीक है. तो आज के लिए हम एक बार इतना ही करेंगे. थोड़ा दिन बाद हम लोग और भी इंग्लिश, आई थिंक वील कीप अनदर 2-3 इंग्लिश क्लासेस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, क्योंकि दिस थिंग एज आई सेड इज अनएंडिंग. देर इज नो लिमिट टू इंग्लिश. You can only practice. I will send 60 questions today. 1-1 minute लगते हैं एक question करने में. हम लोग इतना ऐसे मत देखो मेरे को. 60 is nothing. 60 करने में तुम लोग को 1 घंटा भी नहीं लगेगा. ठीक है, उसको करो. एंड उसके साथ में आई विल सेंड ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स ऑल्सो, ताकि इट इज ईजियर फॉर यू ऑल टू टेक अ नोट ऑफ एवरीथिंग. वो सब करना एंड हम लोग और क्लासेस रखेंगे. इसके अलावा दिस इज जस्ट वन पार्ट. यू हैव टू गो थ्रू एन एंटायर लिस्ट ऑफ इडियम्स. यू हैव टू डू फ्रेजल वर्ब्स का लिस्ट. आई विल सेंड अ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का लिस्ट. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस ऑल्सो आर सेंड. वो बाद में यू कैन डू जस्ट एज प्रैक्टिस. बट जो बाकी लिस्ट है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ऑल गो थ्रू देम. एंड ये रूल्स प्लीज आई विल सेंड दी असाइनमेंट, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना. ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नहीं, सब कुछ क्लियर है आज हम लोग जो भी किए. ठीक है, थैंक यस मैम। यू ऑल ऑफ यू. मैम वो प्रोबेबिलिटी का वो असाइनमेंट टाइप आपको हो रहा है इसमें। थोड़ा सा एक्चुअली. हाँ द थिंग और इज वो बेस थ्योरम हाँ, बताओ बेस थ्योरम अभी ना। प्रोबेबिलिटी खत्म नहीं हुआ है. हाँ प्रोबेबिलिटी बाकी